अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई या मद्रास से आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे मेरा उत्तर प्रदेश बिहार से भी नाता है, बिहार की सीमा से कुछ ही दूर पर उत्तर प्रदेश में मेरा अपना पुश्तैनी गांव है और बिहार में औरंगाबाद जिले में सोन नदी के किनारे मेरा ननिहाल है, जहाँ पर मैंने बहुत सारी छुट्टियाँ बिताई हैं, बहुत सारे छठ बिताए। खैर, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम प्रज्ञान, कई सारे शब्द इसके लिए हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, लेकिन हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, होशियारी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ हुआ कि मनुष्य के जैसी होशियारी, मनुष्य के जैसी बुद्धिमत्ता किसी कंप्यूटर में आ जाए। अब ये मनुष्य के जैसी बुद्धिमत्ता है क्या चीज, चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आप में से अगर किसी ने फेसबुक का इस्तेमाल किया है तो आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक पे आपने अपने या अपने परिवार के किसी की फोटो अपलोड की तो फेसबुक पे उस आदमी का नाम अपने आप आ जाता है। जैसे आप अपने घर के किसी व्यक्ति को या अपने किसी दोस्त को देखते हैं तो आप उसको पहचान जाते हैं, उसी तरह से फेसबुक भी जैसे ही किसी की फोटो आई उस आदमी को पहचान जा रहा है। ये कैसे? या अभी बंगाल में चक्रवात आया था, साइक्लोन आया था, साइक्लोन आने से कुछ दिन पहले से ही उसकी भविष्यवाणी की जाने लगती है। वो भविष्यवाणी कैसे की जा रही है? क्या बिहार में कभी बाढ़ आती है, उस बाढ़ के बारे में भविष्यवाणी कैसे की जाती है? इन सब के पीछे कंप्यूटर की ताकत है और उस विधा का जिसका इसमें प्रयोग होता है उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इससे और कुछ सटीक परिभाषा नहीं है और परिभाषा नहीं होने का कारण यह है कि हर स्थिति में कंप्यूटर की सोचने की वो शक्ति जो हमको आश्चर्यचकित कर देती है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लेते हैं। तो आज से 40-50 साल पहले मान लीजिए कि अगर कट्टम कुट के खेल में कंप्यूटर आदमी से जीत जाता तो उस समय वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लिया जाता। कट्टम कुट का खेल आप समझते होंगे, जिसमें 9 खाने बनाए जाते हैं, एक आदमी कट बनाता है, दूसरा आदमी गोले बनाता है, 3 कट या 3 गोले अगर जोड़ दिए जाए तो आदमी जीत जाता है। साधारण खेल है, 9 खाने हैं। आज की तारीख में कंप्यूटर वो खेल अगर खेल लेगा तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर साधारणतः ऐसे खेल बड़ी आसानी से खेल के आदमी से जीत सकता है। तो आज हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं मानते। जब मैं छोटा था, शायद आपकी उम्र का था, तब कंप्यूटर ने चेस में, शतरंज में मनुष्य को हराना शुरू किया, दुनिया के शीर्षस्थ खिलाड़ियों को उस समय हराना शुरू किया। उस समय वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। तो हालांकि कई सारे तकनीकी इसकी परिभाषाएं बनाई गई हैं, लेकिन एक चीज इसकी परिभाषा में हमेशा कॉमन या समान रही है, वो ये है कि ऐसी चीज जो हमको लगे कि ये तो साधारण ही है, इसको कंप्यूटर कर ही सकता है, उन चीजों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानने से मना कर देते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की वो होशियारी
जो मनुष्य के जैसी हो और हमको अचंभित कर दे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम प्रज्ञान या कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। लेकिन कंप्यूटर में यह होशियारी आती कैसे है? इसके लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। आप गर्म उबलते पानी के भगोने को छुएंगे तो आपका हाथ जल जाए। ये जानकारी आप में कैसे आई? ये दो तरह से आ सकती है। आपको किसी ने बताया कि आग पर रखा हुआ भगोना गर्म होता है और गर्म चीज को छूने से हाथ जल जाता है, मतलब एक तरह का नियम संबंध बताए कि आग पे रखा हुआ भगोना गर्म हो गया, गर्म चीज को हमने छुआ तो उंगली जल गई। तो हमने नियम बताया जिससे आपको समझ में आ गया, इसलिए आप कभी जाके भगोने को छुएंगे। दूसरा तरीका है कि अनुभव से, आपने एक दो बार गलती से भगोने को छू दिया तो इसलिए आपको भगोना छूने पे समझ में आ गया कि हाथ जल जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस कंप्यूटर में आता है, वो भी इन्हीं दो तरीकों से आता है। एक, जहां पे हम नियम कंप्यूटर को समझा सकें, और दूसरा, जहां हम कंप्यूटर को इतने सारे आंकड़े दे सकें कि कंप्यूटर खुद ही अपने अनुभव से समझ ले। अब इस पे थोड़ा और समय बिताकर इसको बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम कक्षा 2-3 के बच्चे को एक एक्सरे दिखाएं, मैं एक्सरे देखा होगा, उस बच्चे को लगेगा कि ये कुछ थोड़ी सी पारदर्शी एक पन्नी है जिसमें कुछ काले सफेद धब्बे हैं। अगर वो हम आपको दिखाएं तो आप देख के अंदाज कर लेंगे कि ये पसली का एक्सरे लगता है या घुटने का एक्सरे लगता है। अगर हम डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर बता देगा कि इसमें फ्रैक्चर है या नहीं है, या इसको निमोनिया है या नहीं, क्योंकि उस डॉक्टर ने तब तक हजारों एक्सरे देखे अपने MBBS की पढ़ाई में, और हर एक्सरे पे उसको बताया गया, उसको समझ में आता गया कि अच्छा इस धब्बे का मतलब ये होता है, इस धब्बे का ये मतलब होता है। उसी तरह से कंप्यूटर में इस चीज को हम कोरिलेशन बोलते हैं, उसके संबंध कंप्यूटर को बताए जाते हैं। तो कंप्यूटर को भी पहली नजर में एक एक्सरे काले सफेद धब्बे जैसा लगेगा, लेकिन उसको लाखों एक्सरे दिखाए जाते हैं और हर एक्सरे में बताया जाता है कि इन काले सफेद धब्बों का मतलब क्या है। इस कंप्यूटर को हमने 10 लाख एक्सरे उदाहरण के तौर पे दे दिए और बता दिया कि हर एक्सरे में कौन सी बीमारी थी, किस चीज का क्या अर्थ है। अब कंप्यूटर को जब आप एक नया एक्सरे देते हैं तो वो उन 10 लाख एक्सरे के अनुभव के आधार पर उस बीमारी को बता रहा है। 10 लाख एक्सरे की जानकारी अपने दिमाग में रख पाना मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है, और इसलिए ऐसी ऐसी स्थितियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आता है, क्योंकि वहां पर कंप्यूटर की शक्ति या तो मनुष्य के बराबर या मनुष्य से आगे निकलने लग जाती है। और आपको लगता होगा कि ये एक दो ऐसे उदाहरण हैं, जबकि सत्य यह है कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, और हर स्थिति में कंप्यूटर सीखता इन्हीं दो तरीकों से, या तो नियमों को जानकर, या इतने सारे ऐतिहासिक आंकड़े उसको पता चल जाए कि उसके आधार पर वो खुद ही अपने संबंध बनाने लग जाए। जैसे आप उसको पिछले 25-30 साल के हर दिन का तारीख, महीना, तापमान, आर्द्रता या नमी, धूप कितनी खिली थी, बादल कैसे थे, अगर रेडार का चित्र हो तो उस रेडार में बादल कैसे लग रहे थे, सब कुछ दे दीजिए और बताइए कि कितनी बारिश हुई। कंप्यूटर में यह शक्ति है कि वो अगले दिन के बारे में जब उसको आप थोड़े आंकड़े देंगे तो कंप्यूटर यह अब अनुमान करने लग जाएगा कि बारिश होगी कि नहीं होगी, और संभवतः वो हमसे और आपसे बेहतर अनुमान करने लग जाएगा। और क्यों? इसको समझने के लिए फिर से समझते हैं कि हमने कैसे अनुमान लगाना सीखा बरसात के बारे में। जैसे हम आपसे अगर पूछें कि बरसात होगी कि नहीं होगी तो शायद आप घने बादल, बहुत चिपचिपाहट हो तो अंदाज करेंगे कि बरसात होगी,
लेकिन अपने घर के बुजुर्ग से जाके पूछेंगे तो बुजुर्ग देखेगा पछियाव चल रही है तो शायद नहीं होगी, पूरा बिहार चल रही है तो मतलब मानसून आने की संभावना है, ठीक है, महीना कौन सा है, जून जुलाई में बरसात होती है, मार्च में होने की संभावना कम है। तो उस बुजुर्ग ने अपने कई वर्षों के अनुभव को का इस्तेमाल करते हुए अनुमान लगाया कि बारिश होगी कि नहीं होगी। कंप्यूटर वही कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर के दिमाग में हर दिन का आंकड़ा मौजूद है। और इसीलिए अब हम जब बाढ़ या बरसात या किसानों को जब हम बताते हैं कि मानसून 3 जुलाई से आएगा या 10 जुलाई से आएगा, इन सब के पीछे कंप्यूटर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाथ है। तो आपने समझा कि मूलतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कंप्यूटर सीखता कैसे है, या तो नियम से या अनुभव से। कुछ उदाहरण देखें, कैसे कंप्यूटर चित्र पहचान लेता है, कैसे कंप्यूटर एक्सरे समझ लेता है, कैसे कंप्यूटर चक्रवात की भविष्यवाणी करता है या बाढ़ की भविष्यवाणी करता है। अब कुछ क्षण के लिए ये देखते हैं कि अगले 2-4-5 साल में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। हमने एक्सरे के बारे में थोड़ी बहुत बात की, उस बात को आगे बढ़ाते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। ब्लड टेस्ट के आधार पर बीमारी की भविष्यवाणी करना। अभी हम ब्लड टेस्ट में 7 या 8 चीजें, कोई टेस्ट होता है तो पता करते हैं, 7-8 चीजों के आधार पर डॉक्टर बता सकता है। उस टेस्ट से अगर आप 500 चीजें पता कर लीजिए तो कंप्यूटर उन 500 चीजों के बीमारी से जो संबंध हो सकते हैं उनका अनुमान लगा सकता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क के लिए करना संभव नहीं। तो मानव मस्तिष्क करता क्या है कि उतने ही आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने की कोशिश करता है जिनको वो अपने दिमाग में प्रोसेस कर सकता है, जिनका वो इस्तेमाल करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। सो चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे हमने कहा कि ब्लड टेस्ट या पैथोलॉजी, एक्सरे के क्षेत्र में भविष्य नहीं, अभी ही कई सारे ऐसी बीमारियां हैं जिन पे कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। दक्षिण भारत में एक अरविंद आंख का अस्पताल है, वो गूगल कंपनी की एक टेक्नोलॉजी का अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें डायबिटिक लोगों की आंख में एक तकलीफ होती है जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और डायबिटिक रेटिनोपैथी का उसका स्कैन देखकर कंप्यूटर बड़े अच्छे से अंदाज लगा सकता है कि इस मरीज की स्थिति क्या है, इस मरीज की आंख की स्थिति क्या है। और अभी ये 1-2 बीमारियों में स्तर पर पहुंचा है जहां पर हम लोग को ये भरोसा हो गया है कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लग जाएगा। और कंप्यूटर का फायदा क्या है कि अगर आपने स्कैन कहीं बिहार में किसी कस्बे में किसी गांव में कहीं भी, आपको एक्सरे की मशीन होने की सुविधा होनी चाहिए, उसके बाद वहां पर अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं भी हो तो भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं, उस पर आपको शायद 25-40-50 रुपए में उस बीमारी का अनुमान या पहला डायग्नोसिस पता चल सकता है, जिसके बाद फिर डॉक्टर देख सकते हैं उसके आगे कुछ हो सकता है। दूसरा, बिना ड्राइवर की कारें, ये भी आपको अचंभित कर सकता है जिन लोगों ने नहीं देखा, लेकिन बिना ड्राइवर की कारें पश्चिम के कुछ देशों पर सड़क पर अब चल रही हैं, अभी प्रयोग के रूप में चल रही हैं, व्यापक नहीं है लेकिन ये अभी सड़क पर हैं, तो ये भविष्य की बात नहीं है, अभी की बात है। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण देखे, ऐसे भी उदाहरण देखे जो अभी हमको भारत में देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन जो धीरे धीरे व्यापक होते चले जा रहे हैं और अगले 2-4-5 वर्षों में
हमको भारत में भी आसपास दिखने लगेंगे। लेकिन जैसे किसी भी वैज्ञानिक आविष्कार, किसी भी प्रौद्योगिक प्रगति के साथ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे तो बहुत सारे हैं। कम दाम में बीमारी का कहीं ज्यादा सटीक अनुमान लगा लेना, बाढ़ आदि का पहले से अंदेशा कर लेना, चक्रवात, इन सबके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। उसी तरह से जिस तरह से परमाणु ऊर्जा से बिजली भी बन सकती है और बम भी, और नुकसान इस तरह से हैं कि आज की तारीख में मनुष्य के मूल्य हैं, नैतिकता है, इसलिए हर निर्णय जो मनुष्य लेता है उसको आप सामाजिक मूल्यों, सामाजिक नैतिकता के आधार पर तय करते हैं कि यह ठीक था या नहीं था। कानून है जिसके आधार पर आप ये तय करते हैं कि यह कानूनी था या गैर कानूनी था। जब वही कई सारे निर्णय कंप्यूटर लेने लगेगा तो यह कैसे तय किया जाए कि कंप्यूटर भी उन्हीं नैतिक मानदंडों पर खरा उतरे। जैसे आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोन या कर्ज देने में इस्तेमाल होता है। अगर कंप्यूटर लोन या कर्ज जाति, धर्म, इलाके के आधार पर देने लग जाए, क्या आप ये कह के हाथ झाड़ सकते हैं कि निर्णय तो मेरा नहीं था, कंप्यूटर का था? और इसीलिए जहां कहीं भी एक सॉफ्टवेयर को, एक कंप्यूटर को निर्णय लेने की शक्ति दी जा रही है, वहां पर कंप्यूटर के नैतिक मूल्यों को भी तय करने की बहुत जरूरत है। और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के क्षेत्र में एथिक्स इन एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नैतिकता एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। तो जब आप लोग इसके बारे में पढ़ें, सोचें, तो हमेशा इस बात को जरूर ध्यान में रखें। और अंत में आपके लिए और आपके भविष्य के लिए, एक प्रोफेशनल के तौर पर, आपकी शिक्षा के अनुसार, यहां पे क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से गणित और कंप्यूटर साइंस का मिश्रण है। कंप्यूटर साइंस खुद भी काफी हद तक गणित पर आधारित है। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज ये है कि ना गणित पढ़ने के लिए, ना सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको बहुत बड़ी लैब, बहुत बड़ी इमारतें, इन सब की जरूरत है। तो कम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही कम ढांचागत सुविधाओं के साथ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत पारंगत हुआ जा सकता है। बहुत गणित पर पकड़ बनाकर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में अच्छा होकर, और कुल मिलाकर कंप्यूटर साइंस की सुविधा में आदमी पारंगत हो सकता है। इसलिए भारत के भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के साथ ही बहुत फायदे नहीं है, भारतीय लोगों के लिए भी नौकरियां, अनुसंधान, नए उद्यमी बनने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही सहायक हो सकता है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।